गुड मॉर्निंग छात्रों, रामराजी इंटर कॉलेज नयापुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में HIV के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे HIV का प्रसारण कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV आपको अब याद होना चाहिए, HIV एक वायरस है जो एड्स नामक बीमारी पैदा करता है। तो ये जो क्या कहते हैं, इसका संक्रमण होने के जो हमने ऊपर देखा था कि ये ब्लड द्वारा और इन सब के द्वारा जो है ये फैलता है। इसका जो फैलने का तीन प्रमुख कारण है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, दूसरा क्लिनिकल रिसोर्सेज रीजन, तीसरा ड्रग्स एडिक्शन। ठीक है, इन्हीं तीन मुख्य कारणों से फैलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस का मतलब ये है कि लगभग 80% का प्रसारण जो है, ट्रांसमिशन जो है, इसी के कारण से होता है। ठीक है, अब ये विभिन्न कारण इसमें बताए गए हैं, इसको देखिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा दिया है, क्लिनिकल रीजन दिया गया है। क्लिनिकल रीजन में जो है, जैसे कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है, उसके ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर चढ़ा देते हैं तो उसे HIV हो सकता है। अगर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया इंजेक्शन किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगाते हैं या उसके अंग का प्रत्यारोपण करते हैं तो HIV का प्रसारण बहुत ही आसानी से हो जाता है। दूसरा कारण ये बताया गया। तीसरा कारण है ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, वह जब इंजेक्शन के द्वारा उसका उपयोग करते हैं तो इसके कारण से व्यक्ति HIV संक्रमित हो जाता है। इन सब कारणों से HIV का एक स्थान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन जो सामाजिक भ्रांतियाँ हैं कि चुंबन से और लिंगन से, हाथ मिलाने से, खांसी से, छींकने से, भोजन के साथ, सोने से, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा एड्स कभी नहीं फैलता, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। परंतु इन सब के द्वारा नहीं फैलता, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, ये छुआछूत का रोग है। ये भी छुआछूत का रोग नहीं है, लेकिन इनके द्वारा भी फैलता है। ये तो हो गया कारण। इसका जो निदान बताया गया है, इसमें एक टेस्ट किया जाता है, बहुत पूछा जाता है, एलिजा किट। डायग्नोस और ट्रीटमेंट दो शब्द है। डायग्नोस का मतलब होता है पहचान करना। किसी भी रोग के बारे में अगर कोई व्यक्ति पहचान करता है तो उसी को कहा जाता है डायग्नोस, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो इसका जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो एलिजा किट के द्वारा किया जाता है। जैसे इस समय कोरोना का पहले टेस्ट किया जाता है किट के द्वारा, तो जब वो पता चलता है तब उसका इलाज किया जाता है, उसी को डायग्नोस कहा जाता है। तो यहाँ जो है एलिजा किट के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये देखिए, एलिजा जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एजी किट। एजी किट मतलब आसानी से ले जाने और ले आने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोसिस का ऐसे ही किया जाता है, इससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी पहचाना जा सकता है जो तरल पदार्थ हैं शरीर के, उनको लेकर के सूक्ष्मदर्शी पर रख करके पहचाना जा सकता है। मोस्टली यह जो T4 लिम्फोसाइट्स पर ही इफेक्ट डालता है, जो हमारे प्रतिरोधी क्षमता है उसको जो बनाता है उसी को यह प्रभावित करता है। अब इसके इलाज के लिए अभी तक कोई ख़ास औषधि नहीं है, लेकिन बस इसकी
इफेक्ट को थोड़ा सा रोका जा सकता है कि जो इसका संक्रमण का दर तेज़ी से वो कम हो जाए। ये नाम दिया हुआ है AZT, शॉर्ट फॉर्म सबका याद रखिएगा। जितने शॉर्ट फॉर्म याद दिए हैं सब इम्पोर्टेंट एक नंबर में पूछे जाते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सब इसमें दिया है। और किसी भी रोग के रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय है उससे बचना चाहिए, संक्रमण के फैलने के पैटर्न से हमें बचना चाहिए जिससे हमें वह बीमारी ना हो। ठीक है, ये दिया है, इन सब कारणों से बचना चाहिए।